Hello students, now we are going to discuss uniform circular motion. This is the last topic of the chapter and today we will finish the chapter motion of the physics. Okay, so before going to discuss about the uniform circular motion, we will discuss a straight line motion. जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन क्या था पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लें. तो सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. ओके, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी, है ना. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एंड वी आर फाइंडिंग दैट एट ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम. ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ए बी सी डी सारे पॉइंट्स पे हम लोग क्या ले लेते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर ना. तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से एक एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है. तो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स द ऑब्जेक्ट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर हो रहा है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है तो दैट टाइम द एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना. पढ़ा था आपने कि फॉर यूनिफॉर्म स्पीड जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो क्या होगा, वो जीरो होगा, है ना, बिकॉज उसका स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है. बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होगा उस टाइम, बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, है ना. बॉडी इज इन, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो. क्लियर है ये. चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो जैसे आपने अभी स्ट्रेट लाइन के लिए बोला, सिंपली वी कैन सी से दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन सी दिस इज अ सर्कुलर पाथ. तो वी कैन सी से इजिली, वी कैन से इजिली कि अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सिंपली आप बता सकते हो कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी किस पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और बॉडी का जो स्पीड है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है ना. तो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो देखो अभी आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन में बोला कि बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो दैट टाइम एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है. ठीक, क्या ये चीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट ना. देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखना है तो दैट इज खत्म, और कुछ उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पर आपको ये समझाना है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द बॉडी इज डूइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब आप बोलोगे कि अभी तो बोला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड में, यहां पे बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रही है. स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है. तो इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो यहां एक्सेलरेशन कैसे आ गया. सी अभी देखो हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की. देखिए यहां पर बॉडी का डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा था, नहीं चेंज हो रहा था, बॉडी इज मूविंग इन अ वन डायरेक्शन ओनली, कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा था. ठीक है, बट इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा. पॉइंट ए पे देखो डायरेक्शन कुछ ये है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. पॉइंट बी पे डायरेक्शन ये बना लिया, पॉइंट सी पे देखा तो ये डायरेक्शन है और बी पे देखा तो ये डायरेक्शन है. दीज आर नोन एज द टेंजेंट्स ना, दीज आर द टेंजेंशियल ऑन द पॉइंट ऑफ द सर्कल. सर्कल के किसी पॉइंट पे
अगर आप टेंडिंग ड्रॉ करोगे तो दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। तो आप देखो पॉइंट ए पे डायरेक्शन आपका ये मिला, बी पे ये मिला, सी पे ये मिला, डी पे ये मिला, एंड फोर पॉइंट्स है ना, तो है तो हर एक पॉइंट पे सर्कल के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट दे आर टेकिंग फोर पॉइंट। तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई ना। दिस टाइम अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ और इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है यहां पर, चेंज हो जा रही है। व्हाई, बिकॉज चेंजिंग इन द डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टर्म के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, वन इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन सिंपली स्पीड ऑफ द बॉडी, और दूसरा है इसका डायरेक्शन, ठीक है, और बोथ डायरेक्शन। तो इन दोनों में से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होता है, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी चेंज। तो आप देखो यहां पर स्पीड तो नहीं चेंज हो रही है, स्पीड इज कांस्टेंट, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल द डायरेक्शन इज चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट मींस उस बॉडी पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। वी नो दैट जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट मींस एक्सेलरेशन होगा। तो दिस टाइम द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन हैव द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ही क्यों हुआ, बिकॉज स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, योर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वी विल फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी होती तो जो स्पीड है वो भी चेंज होता, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग दिस टाइम। तो अभी आप देखो जो बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, इसके इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो बॉडी क्या कर रही होगी, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होगी। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑन द वी हैव डिस्कस फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन करना है तो कुछ नहीं है, सिंपली आप बोल दीजिएगा जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, या बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन का मेन पार्ट था कि ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया, वी हैव डिस्कस्ड, है ना, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि व्हाई अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ हैव एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जो बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, बट इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर मोशन इट हैज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, थैंक यू।